और सुपर सुपर हिट को हमारे पुराने प्रोड्यूसर हैं, मैं उनकी पिक्चर कर चुकी हूँ शोला शर्मा, और गोविंदा जी का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है, इससे फिर से इल्जाम की तरह कम बैक करेंगे। शोला शबनम में क्या किरदार था आपका? शोला शबनम में मैं गिरीश मलिक के ऑपोजिट थी, दिव्या भारती की फ्रेंड का रोल किया मैंने। दिव्या भारती को अपने मार दिया? मैं कैसे मार सकती हूँ, अपोजिट में थी ना इसलिए। नहीं, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही चुलबुली और अच्छे नेचर और अच्छी इंसान थी। आप कितना मिस करती हैं दिव्या भारती को? बहुत मिस करती हूँ। कुछ बातें बताइए जो आपके उनके बीच में कोई हम नहीं जानते हैं। कुछ यादें क्या यादें बोलूँ, उस समय मतलब बचपना मेरे अंदर भी था और वो भी उसके अंदर भी बहुत बचपना था और बच्ची थी भी, पता ही नहीं चलता था कि हम लोग शूटिंग किए हैं। ऐसा लगता था कि हम लोग सचमुच में स्कूल के मतलब स्टूडेंट हैं और सब हम लोग पिकनिक करने गए हैं, उसी में मतलब हंसी मजाक सब होते थे। गोविंदा जी, राजा बुंदेला जी और गिरीश मलिक जी सब, मतलब हम लोग ऐसा बिहेव होता था कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा मस्ती मजाक होती थी। बिंदु जी का बहुत अच्छा रोल, हम लोग उनको देखते थे जो कितनी सुंदर है सामने से, कैसे विलन का रोल करती थी, मतलब पहले तो बात करने में डर लगता था लेकिन जब उनसे मिले तो बहुत मज़ा आया। और अनुपम खेर जी, उनका तो जवाब ही नहीं है। शकीला जी, फिल्म का नाम है टाइगर भी जिंदा है, क्या सलमान खान के साथ आप मूवी किए हैं हिंदी वाला? नहीं, सलमान खान जी के साथ मैंने काम नहीं किया, काम करने का बहुत ही इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि उनके साथ कम से कम एक पिक्चर तो हो जाए मेरा। एज अ हीरोइन? नहीं, माँ का रोल कर सकती हूँ, भाभी का रोल कर सकती हूँ, बड़ी दीदी का रोल कर सकती हूँ, बस सलमान खान के साथ रोल होना चाहिए। अच्छा, इस सिनेमा का जो अभी शूटिंग कर रहे हैं उस और टाइगर भी जिंदा हिंदी वाला जो था उससे कुछ कम्युनिकेशन है? दोनों का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है और कहानी में मतलब उसमें जिस तरह टाइगर जिंदा है और इसमें भी टाइगर जिंदा है, कहानी अलग है लेकिन नाम जो है दोनों में मैच करता है। रवि सिन्हा जी कुछ कहेंगे? रवि सिन्हा जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा काम करती रहूँ। उनका मैंने समझाने का तरीका, बात करने का तरीका और शॉट लेने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? तीन साल। तीस। अभी तो आप 18 साल की लग रही हैं। कम से कम 30 साल होना चाहिए। एज ए हीरोइन भी आपने कई फिल्में की, कुणाल जी के साथ भी आप फिल्में की हैं, उनकी हीरोइन रह चुकी हैं जो आज भी महानायक बनने से स्टार हैं। जी, कुणाल जी के साथ मैंने काफ़ी पिक्चर एज ए हीरोइन किया है और कुणाल जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, गजब के आर्टिस्ट है और देखने में बहुत हैंडसम है, अभी भी है और मैं चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा काम करती रहूँ। कौन कौन फिल्में किया था कुणाल जी? मैंने कुणाल जी के साथ किया था बिहारी बाबू, किया था दुल्हा दुल्हन, किया था एंड धरती मैया तुम्हार ममता महान किए थे और क्या क्या पिक्चर किए। अगला आप रहने वाली कहाँ के? फर्स्ट मूवी कौन सी थी आपकी? मैं रहने वाली कलकत्ते की हूँ, बंगाली, बंगाल की हूँ, मेरी मम्मी बंगाली है और मेरे पापा हैदराबादी है। बंगाली में जरा नमस्कार करके बताइए। अपने सबाई के नमस्कार। और बंगाली पिक्चर मैंने वो किया था, सबसे फर्स्ट मैंने पिक्चर किया नागपाश, NFDC की मूवी थी, अवार्ड वाली मूवी थी और डायरेक्टर थे राजेंद्र तरफ्ता और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोड्यूस किए थे। मैंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोड्यूस किए दो पिक्चर किया, एक नागपाश और दूसरा देवी गर्जन। आमी नागपाश छवि करेछि नायिका और देवी गर्जन छवि करेछि नायिका। आमार प्रथम छवि छिल नागपाश और डायरेक्टर छिलेन ताजिन तरफदार और देवी गर्जनेर डायरेक्टर छिलेन पीयूष गांगुली। थैंक यू।